हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि है द थेरेमिन। ये एक म्यूजिकल डिवाइस है जिसको प्ले किया जाता है विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। यस, आपको किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट करने की तो ज़रूरत है, उसको टच करने की तो ज़रूरत है। लाइक आप पियानो को देख लो, गिटार देख लो, सितार, ढोलक, तबला, कुछ भी आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करेंगे तो उसके लिए आपको फिजिकल कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। बट ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको विदाउट फिजिकल कांटेक्ट प्ले किया जाता है, जिसका नेम है द थेरेमिन। क्या इसको अभी बनाया गया है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसको बनाए हुए 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं 2020 में, इसीलिए आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसको बनाया गया था 1920 में, आज से 100 साल पहले इन्वेंट किया गया था द थेरेमिन, जिसको विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट इसको प्ले किया जाता है। यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको इन्वेंट किया था लियोन थेरेमिन ने, ये इसके इन्वेंशन किया था। प्लस इन्होंने एक और चीज़ भी इन्वेंट की थी जो थी द ग्रेट सील बग। और भी कई सारे इन्वेंशन किए थे बट ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जो द ग्रेट सील बग है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक लिसनिंग डिवाइस है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक लिसनिंग डिवाइस है जो यूएस एम्बेसी, जो रशिया में यूएस एम्बेसी थी, उसमें रखा रहा था सेवरल ईयर्स के लिए और इनको पता भी नहीं चला। और उनकी जो बातें होती थी रशिया में सुन ली जाती थी, जो यूएस की जो सीक्रेट टॉक्स कन्वर्सेशन होती थी वो पूरी की पूरी रशिया में उनको सुनाई देती थी, सब कुछ पता चलता था इनके बारे में। काफ़ी टाइम बाद इनको पता चला इसके बारे में कि ये एक लिसनिंग डिवाइस लगा रखा है। तो इन दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्लस लियोन थेरेमिन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वॉर टू से इनका रिलेशन है, इनको जेल जाना पड़ा था, ये सब चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हम। और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है इसकी मुझे पता चला इस क्लिप से, मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें था द व्हाट इज थेरेमिन द इंस्ट्रूमेंट दैट टर्न 100 ईयर्स ओल्ड इन 2020। तो इसके बारे में मैंने पता किया, काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी जगह से मैंने इसके बारे में पढ़ा, तब मुझे पता चला कि थेरेमिन इतना इंटरेस्टिंग डिवाइस है। मुझे बहुत मज़ा आया तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर करूँ, आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा इसके बारे में जानकर। तो डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि लियोन थेरेमिन जो जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डिवाइस बनाया और बनाने के बाद ये अपने इसको प्ले कर रहे थे विद साउंड्स फॉर अ वाइल एंड कंक्लूडेड, और कुछ साउंड इस तरह से करके देख रहे थे। तो इन्हें पता चला कि इसमें कुछ साउंड क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, एक न्यू म्यूजिकल इक्विपमेंट बना दिया। इन्होंने इस तरह से बनाया नहीं था बट इनको धीरे धीरे जब ये साउंड्स वगैरह प्ले कर रहे थे तो इनको पता चला कि ये तो एक म्यूजिकल इक्विपमेंट बन गया, ठीक है, तो जो कि कैसे प्ले हो रहा है विदाउट टचिंग, जिसको बिना टच किए हम प्ले कर पा रहे हैं, ठीक है, तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिया इन्होंने जो कि विदाउट टच प्ले हो रहा है, ठीक है। ये एक पहला इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट था, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट था जिसका नेम क्या था, द थेरेमिन, ठीक है, द थेरेमिन। इसको आज 2020 में 100 साल हो चुके हैं, इसको अक्टूबर 1920 में इन्वेंट किया था लियोन थेरेमिन ने, ठीक है, तो 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इन्वेंशन एवर। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि विदाउट फिजिकल टच आप इसको प्ले कर रहे हैं, प्लस ये बहुत ही टफ है इसको प्ले करना, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप टच नहीं कर रहे हो तो सोचो कैसे प्ले करते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपने सुना होगा उसको प्ले करने के लिए टच करने की ज़रूरत है, बट इसको बिना टच किए तो कॉन्टैक्ट करना, उसके साथ कॉम्बिनेशन बिठाना बहुत ही टफ होता है, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग इन्वेंशन रहा है, अभी तक का काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्वेंशन है, और इट रिवोल्यूशनाइज्ड म्यूजिक बाय बीइंग अ प्रेडिसेसर ऑफ द मॉडर्न सिंथेसाइजर। ये पियानो जैसा ही होता है सिंथेसाइजर, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो, लेकिन थोड़ा अलग होता है, पियानो एग्जैक्ट पियानो नहीं है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे बटन्स होते हैं जिससे कंट्रोल होता है, इसका ही प्रेडिसेसर पूर्वज रहा है ये थेरेमिन, ठीक है। तो सबसे ये पहले इन्वेंट हुआ था, बाद में ये ओके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके, इट्स हिस्ट्री इज टाइड विथ वर्ल्ड वॉर टू एंड प्रिजन ऑफ साइबेरिया, रशिया की प्रिजन से रिलेटेड इसकी हिस्ट्री है। इसकी हिस्ट्री एक्चुअली लियोन थेरेमिन इससे रिलेटेड है, और लियोन थेरेमिन की जो हिस्ट्री है वो वर्ल्ड वॉर टू से रिलेटेड है, इसीलिए हम यहाँ पे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इनको साइबेरिया में जेल में भेजा गया था, अब इतने अच्छे साइंटिस्ट उसके बाद जेल भेज दिया गया,
तो क्या रीज़न रहा यहाँ पे, इसको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में हम। और जान लेते हैं कि ये जो थेरेमिन है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में बहुत ही कम म्यूजिशियंस जानते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस इसके बारे में जानते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। इवन उनमें से बहुत ही कम, बहुत बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसको प्ले कर पाते हैं। और इसका लाइव परफॉर्मेंस तो एक दो लोगों ने ही दी है, एक तो ये थेरेमिन ने दी थी एक बार, एक और ने दी थी इसकी, जो म्यूजिशियन थे उन्होंने इसकी लाइव परफॉर्मेंस दी थी। काफ़ी टफ है इसको प्ले करना, तो इसके बारे में जानते हैं थेरेमिन है क्या बेसिकली। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है थेरेमिन, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट बाय परफॉर्मर, जो परफॉर्मर्स या थेरेमिनिस्ट जो होते हैं वो कैसे इसको कंट्रोल करते हैं? विदाउट फिजिकल टच। अब विदाउट फिजिकल टच कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? तो देखिए ये जो एंटीना दिखाई दे रहा है, ये इसमें दो एंटीना है, एक तो वर्टिकल एंटीना है और एक है आपका लूप्ड एंटीना, ये दोनों ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लूप्ड एंटीना है और ये वर्टिकल एंटीना है। इसके बीच में हैंड्स का मूवमेंट करते हैं और उससे ये कंट्रोल होता है। इन्वेंटर कौन है? तो लियोन थेरेमिन है। कब किया था? तो 1920 में किया था और पेटेंट कराया था इन्होंने 1928 में, ठीक है ओके। इंस्ट्रूमेंट्स कंट्रोलिंग सेक्शन कंसिस्ट टू मेटल एंटीनास, ये जो कंट्रोलिंग सेक्शन है इनमें दो मेटल एंटीनास होते हैं, एक वर्टिकल एंटीना होता है, एक लूप्ड एंटीना होता है। अब ये काम क्या करते हैं दोनों एंटीना, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊंगी आपको किस तरह से वर्क करता है ये। तो ये जो प्लेयर होते हैं जो इसको बजाते हैं वो क्या करते हैं? मॉड्यूलेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये जो दो मेटेलिक एंटीना हैं उनके बीच में नॉन मेटेलिक कोई भी चीज़ आती है लाइक हमारे हैंड हैं, तो जब इसके बीच में आते हैं तो ये कैपेसिटर बन जाता है बेसिकली, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो ये जो प्लेयर्स होते हैं वो मॉड्यूलेट करते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जो यहाँ के बीच में बनी है उसको, किस तरह से? बाय मूविंग देयर हैंड्स एंड फिंगर्स अराउंड द एंटीनास इन स्पेस। ये जो एंटीना के बीच का जो स्पेस है ना उसमें अपने हैंड और फिंगर्स को ये क्या करते हैं? मूव करते हैं और उससे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मॉड्यूलेट होती है और इससे क्या होता है? वॉइस जनरेट होती है, पिच जनरेट होती है। तो द कंट्रोल ऑसिलेटर फॉर फ्रिक्वेंसी विथ वन हैंड एंड एम्पलीट्यूड वॉल्यूम विथ अदर, ठीक है। फ्रिक्वेंसी या पिच बोल रहे हैं, लाइक मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरा एक तो वॉल्यूम आपको सुनाई दे रहा है, लाइक पिच भी हो रही है, हाई पिच लो पिच। तो ये जो हाई पिच लो पिच है या फ्रिक्वेंसी आप बात कर लें, ये एक एंटीना से कंट्रोल होती है, दूसरा एंटीना क्या देता है? वॉल्यूम एम्पलीट्यूड वॉल्यूम को देखता है, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल एंटीना है वो क्या करता है? वो कंट्रोल करता है पिच को, मतलब कि फ्रिक्वेंसी पिच को कंट्रोल करता है वर्टिकल एंटीना, इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है द टोन या पिच, ठीक है। और जो लूप्ड एंटीना है वो किसको कंट्रोल करता है? वो वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, कम या ज़्यादा करना है उस वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा। और जो वर्टिकल एंटीना है वो पिच को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक जो ये है आपका थेरेमिन वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है ना, तो इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं जो कि क्या करते हैं? एम्पलीफाइड जो वॉल्यूम होता है वो किस में पहुंच जाता है? लाउड स्पीकर में, और हमें सुनाई देता है। इसकी वर्किंग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वर्किंग आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो थेरेमिन इज डिस्टिंग्विश्ड अमंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये उनसे अलग है। इट प्लेड विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, यू कैन प्ले नोट्स इन द ईयर एंड ग्रैब नोट्स फ्रॉम एनीवेयर इन स्पेस। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये एक वर्टिकल एंटीना है, ये लूप्ड एंटीना है। तो ये अपने हैंड को जैसे इसके पास है, इससे टच नहीं कर रहे हैं, हैंड को ऊपर नीचे ला रहे हैं, तो उससे वॉल्यूम कंट्रोल होता है। और यहाँ पे इसको आप आसपास इस तरह से लेके जाते हैं तो इससे पिच कंट्रोल होती है। तो आप इसको, ये सबसे अलग है क्योंकि इसको आप किस तरह से प्ले कर रहे हैं? एयर में प्ले कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन ग्रैब नोट्स फ्रॉम एनीवेयर इन स्पेस, इस जो स्पेस है उसमें से आप कहीं से भी आप इसकी नोट्स को कंट्रोल करते हैं, ग्रैब करते हैं। ये काफ़ी टफ होता है ऐसा करना, ठीक है। इसी वजह से क्या है, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट इसको चलाना, तो इसीलिए टफ है। इसीलिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिफ़िकल्ट है इसको मास्टर करना। क्यों? क्योंकि इसमें नो अदर इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर सच बॉडी कंट्रोल ऑफ द बॉडी, किसी भी और इंस्ट्रूमेंट में बॉडी का कंट्रोल होना इतना ज़्यादा जरूर नहीं है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमें बिठाना है बॉडी की और इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में, ठीक है, क्योंकि फिजिकल टच नहीं होता है यहाँ पे। कोई कीबोर्ड नहीं होता, कोई फ्रेट बोर्ड नहीं होता, ठीक है, फॉर रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस के लिए कोई कीबोर्ड या फ्रेट बोर्ड नहीं होता जिससे हम नोट्स प्ले कर सकें, वो भी नहीं है। टच नहीं करना है,
प्लेयर नीड अ ब्रिलियंट ईयर टू हिट स्पेसिफिक नोट्स, प्लेयर को अपने हैंड्स का कॉम्बिनेशन, अपनी बॉडी का कॉम्बिनेशन प्लस ईयर भी उसके ब्रिलियंट होने चाहिए, अच्छे से सुनाई देना चाहिए उसको कि कौन सा कब जो नोट है वो किस टाइप से बज रहा है, कहाँ पे आपको हैंड का मूवमेंट लेके जाना होगा। तो ये सब काफ़ी उसका जो ईयर है वो भी ब्रिलियंट होना चाहिए। और नीड टू कंबाइन रिलैक्स्ड बॉडी मूवमेंट विथ इंटेंस मेंटल फोकस, मेंटल फोकस भी चाहिए और बॉडी रिलैक्स बॉडी मूवमेंट चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये है द थेरेमेन के बारे में, थोड़ा सा इसका ये किस तरह से बना वो दिखा देते हैं हम। इसमें जो वॉल्यूम एंटीना है और जो पिच एंटीना है, दोनों मैंने बताया थे, वॉल्यूम एंटीना से वॉल्यूम आता है वॉल्यूम ऑक्सीलेटर से, ठीक है, और ये यहाँ पे फिल्टर में पास होता है, वॉल्यूम फिल्टर होके यहाँ पे पास होता है और ये एम्पलीफायर के थ्रू स्पीकर में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे एम्पलीफायर में एम्पलीफाई होते हैं वॉल्यूम और पिच, और जो पिच है ना वो पिच ऑक्सीलेटर से आती है और यहाँ पे रेफरेंस ऑक्सीलेटर भी लगा होता है और ये दोनों मिक्स होती हैं, ठीक है। अगर पिच नहीं जा रही तो सिंपल है, बाकी पिच अगर आपने इस हैंड का मूवमेंट किया तो इस पिच को, इन दोनों को मिक्स करके फिर यहाँ पे लो पास फिल्टर में से पास होती है और ये दोनों एम्पलीफाई होकर स्पीकर में चले जाते हैं। सिंपल सी बात है, आपने हाथ का मूवमेंट किया उसके हिसाब से ही होता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में वीडियो भी दिखा देती हूँ, ओके। देखिए ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, 1920 में ये बना था बेसिकली। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये किस तरह से प्ले हो रहा है, विदाउट टच इसको प्ले किया जाता है। जो म्यूजिशियन है वो इसके बीच में खड़ा होता है और ये दो मेटल एंटीनाज हैं वो इस तरह से प्ले होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं जब इसके बीच में हैंड को लेके आया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, एक कैपेसिटर क्रिएट होता है, जो कैपेसिटेंस है वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको वेरी करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई और इसको फिर वेरी हो रही है यहाँ पे, उससे ये जो वॉल्यूम है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप पिच को देख रहे हैं, ये किस तरह से पिच कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है, किस तरह से पिच कम और ज़्यादा हो रही है। ये मूवमेंट को आप देखिए तो इस तरह से मूवमेंट जो हो रहा है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, ओके। सेम इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम का देखें तो वॉल्यूम इस तरह से कंट्रोल होता है, ठीक है। ये यहाँ पे लूप एंटीना वॉल्यूम कंट्रोल कर रहा है, सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये वॉल्यूम कंट्रोल होता है, ओके। तो ये बेसिकली इसका प्रोसेस होता है किस तरह से इसकी वर्किंग होती है, ठीक। तो ठीक है, ये हमने पढ़ा इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, अब हम पढ़ते हैं इसके इन्वेंटर के बारे में, द थेरेमेन। ये इंस्ट्रूमेंट जो था उसके इन्वेंटर थे लियोन थेरेमेन। इन्होंने कब इसका इन्वेंशन किया था, तो आज से 100 साल पहले अक्टूबर 1920 में इसका इन्वेंशन किया था। इनका नेम क्या था, तो इनका पहले जो नेम था वो था लेव सर्जियेविच टर्मन, बाद में इनका नेम क्या पड़ा, लियोन थेरेमेन, ठीक है। इनका बॉर्न कहाँ पे हुआ था, तो ये रशियन थे, ठीक है, तो रशिया में ये इनका बॉर्न हुआ था, रशिया में इनकी डेथ हुई थी, सेंट पीटर्सबर्ग रशियन एम्पायर में इनका जन्म हुआ था और मॉस्को रशिया, मतलब रशिया में ही बेसिकली आपको इतना याद रखना है, इनकी जन्म और मृत्यु हुई। इनका जन्म हुआ था 1896 में और 1993 में इनकी डेथ हुई थी 97 ईयर्स की जब ये थे, ठीक है। इनका ऑक्यूपेशन क्या था, तो आपको समझ ही आ रहा होगा ये कौन थे, एक फिजिसिस्ट थे, एक इंजीनियर थे। और अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। इन्होंने काफ़ी कम एज में, लाइक जब 12th क्लास इन्होंने पास की थी तो उसके बाद इनकी एक घर में लाइब्रेरी थी जिसमें ये अपने वर्क करते रहते थे, और इसके बाद जब ये कॉलेज वगैरह में गए तो वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे इन्वेंशन किए। सेकेंड ईयर में 2 साल में कंप्लीट कर लिया, तो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे इन्वेंशन वगैरह इन्होंने किए। और इनके जो मेन इन्वेंशन हैं वो हैं, एक तो थेरेमेन का और दूसरा है द थिंग, द ग्रेट सील बग। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, ये क्या है, ये जो ग्रेट सील बग है ये एक लिसनिंग डिवाइस है, ठीक है, जिसको बोला जाता है द थिंग, द लिसनिंग डिवाइस बग, ठीक है, या द ग्रेट सील बग। ये 7 ईयर के लिए यूनाइटेड स्टेट एम्बेसडर, जो मॉस्को ऑफिस था यूनाइटेड स्टेट के एम्बेसडर का, मॉस्को में मतलब जो रशिया में ऑफिस था उसमें ये लगा हुआ था, 7 ईयर्स के लिए लगा रहा, ठीक है। इसको बेसिकली गिफ्ट किया था रशिया ने, ये जो यूनाइटेड स्टेट के एम्बेसडर थे उनको, ठीक है। इन्होंने सोचा कि ठीक है, इन्होंने प्रेजेंट दिया है हमें, कोई ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा था, पद्दी सी शीट थी, उन्हें कुछ ऐसा नहीं लगा कि इसके अंदर ऐसा कुछ होगा कि ये लिसनिंग डिवाइस है और मेरी वॉइस जो है वो वहाँ तक पहुँच जाएगी सोवियत यूनियन के पास, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने दे दिया और रशिया ने US एम्बेसडर को दे दिया और फिर इन्होंने जाके अपनी अपने डोर पर लगा दिया इस तरह से। और बाद में क्या हुआ कि इनकी जो सीक्रेट कन्वर्सेशंस होती थी
वो पहुंच जाती थी ये जो रशिया है उनके पास में, और जो भी इनके जो ये जासूस वगैरह भेजते थे वो सबको पकड़ लेते थे वो, क्योंकि उनको पहले से पता चल जाता है। बाद में क्या हुआ, जब इनको पता चला 7 साल बाद, जब US को पता चला कि भाई इस तरह का काम किया गया है, तो उन्होंने भी सेम स्ट्रेटेजी उनके साथ फॉलो की, उन्होंने भी वही किया। बाद में उन्होंने बोला कि आप हमारी जासूसी कर रहे हो, जब रशिया ने इनसे बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपकी जासूसी कर रहे हैं, ये चीज़ आप हम पे पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर बाद में ये बात पता चली कि इस तरह से हुआ था, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये किसी बैटरी से नहीं चलता था, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता था। अच्छा, ये चीज़ हुई थी वर्ल्ड वॉर जो 2 था उसके बाद, ठीक है। उसके बाद कि ठीक है, सब ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हम आपको एक प्रेजेंट दे रहे हैं, और उसके बाद ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। तो ये किसी बैटरी से नहीं चलता, किसी इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता। एंटीना में जिस तरह से वॉइस होती है ना, तो सेम उसी तरह से एंटीना के थ्रू यहाँ पे वॉइस हो जाती थी, ये वॉइस ले लेता था जो भी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है उसकी, और बाहर एक मतलब मिनिमम डिस्टेंस में एक इस जो एम्बेसडर ऑफिस था ना, इसके बाहर एक वैन होती थी, और वहाँ पे इसकी वहाँ तक इसकी वॉइस चली जाती थी, और वहाँ से फिर उनके पास पहुंच जाती थी। बेसिकली जैसे एंटीना वगैरह वर्क करते हैं ना, सेम उसी तरह से, ठीक है। तो उस टाइम की बात है, इसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं की, बैटरी नहीं थी, क्यों 7 साल तक बिना बैटरी के चल रहा है ये? ऐसा नहीं कि बैटरी आके लगा के जाओ तो फिर तो किसी मतलब का नहीं रहा, तो विदाउट बैटरी ये वर्क कर रहा था, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा इन्वेंशन था। इसके बाद जो लियोन थेरेमन है, और भी इनके इन्वेंशन है, इन्होंने इनमें से जो इम्पोर्टेंट आता है, तो जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न का जो इनिशियल वर्क था, जो अर्ली स्टेज थी, उस पर इन्होंने वर्क किया था, ठीक है, क्लियर है। तो थेरेमिन के बारे में जाना, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। लियोन थेरेमिन जो थे वो एक जीनियस थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं किया, कभी बंद नहीं किया लास्ट तक। इनकी काफ़ी सारी डिस्कवरीज हैं, ठीक है। तो वेराइटी ऑफ डिस्कवरीज इन्होंने की थी, जिसमें इन्होंने अर्ली ड्रम मशीन से लेके US एयरप्लेन तक इक्विपमेंट, इसके इक्विपमेंट वगैरह बनाए, ठीक है। और बाद में ये US में ही रहते थे, ठीक है, US में ही वर्क करते, US में ही रहते थे। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, जब स्टार्ट हुआ था, ऐसा लगा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला है, तो रशिया ने क्या किया, ये रशिया के साइंटिस्ट थे, ठीक है, रशियन थे, तो रशिया ने अपने जो जो साइंटिस्ट थे वो उन्होंने US से वापस बुला लिए, ये KGB में, 1938 में। ये KGB कैसी है, जैसे इंडिया में रॉ वगैरह है, तो इस तरह की इन्होंने वापस बुला लिए रशिया ने अपने साइंटिस्ट को कि भाई आप हमारे यहाँ आ जाओ। ऐसा जब भी कभी वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रहा होता है, तो अपने जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको वापस बुला लेती है कंट्री, ठीक है। तो इन्होंने बुला लिया, तो ये वहाँ आ गए। बाद में एक ये हुआ वन ऑफ स्टालिन्स पर्ज, स्टालिन पर्ज हुआ, जिसमें क्या हुआ, इनको जेल भेजा गया, इन साइंटिस्ट को जेल भेजा गया, काफ़ी सारे साइंटिस्ट को भेजा गया था, उनमें ये भी थे, ठीक है, साइबेरिया में, एन स्टेट देयर 1947, ये 1947 तक वहाँ पे रहे थे। ये क्या है बेसिकली स्टेलिन पर्जिस, ठीक है, ये क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द ग्रेट पर्ज या द ग्रेट टेरर, ये जो थे इनका नाम है स्टेलिन, ठीक है, जोसेफ स्टेलिन, इन्होंने बेसिकली ये कैंपेन चलाया था। ये इसको जाना जाता है द ग्रेट पर्ज, ग्रेट टेरर, और ईयर ऑफ 37, ठीक है, एज द ईयर ऑफ 37, 1937 का बेसिकली बात है ये। जोसेफ स्टेलिन कैंपेन था पॉलिटिकल रिप्रेशन का, ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेशन का इनका कैंपेन था सोवियत यूनियन में, 1936 से 38 के बीच में मेनली ये चला था, ठीक है। इसमें क्या था, इन्होंने लार्ज स्केल पर रिप्रेशन किया, जो किसान थे, पिजेंट्री थे उनका, जो एथेनिक क्लिनजिंग की, मतलब कि जो धर्म के, जो कुछ किसी एक पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड लोगों को मारना, बेसिकली उनको जेल में डालना, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी की क्लिनजिंग क्लीनिंग की, मतलब कि जो कम्युनिस्ट पार्टी में इनको जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बेसिकली उन सबको मारना, हटाना उनको, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो उनकी बात नहीं मान रहे थे तो उनको हटाना, रेड आर्मी जो रशिया की आर्मी है उसको क्लीन करना, बेसिकली इसकी क्लीनिंग की, ठीक है। काफ़ी सारे किसानों को मारा गया, काफ़ी सारे मतलब जो भी इनके विरोध में बात कर रहे हैं उन सबको मारा गया, उनकी क्लीनिंग की गई, ठीक है। वाइड स्प्रेड पुलिस सर्विलेंस किया गया, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट किया गया, आर्बिट्ररी एग्जीक्यूशंस किए गए, तो बेसिकली इन सबको मारा गया था, इतनी सी बात है, ठीक है। कुछ एक जैसे जीनोसाइड वगैरह कराते हैं, तो सेम उसी तरह की चीज़ की किसी धर्म विशेष को मारा गया, किसी किसानों वगैरह को मारा गया, कम्युनिस्ट पार्टी, तो जो जो इनके विरोध में थे उनको इन्होंने मारा था। इस टाइम पर अप्रोक्सीमेटेड करीब 10 लाख या 10 से 12 लाख डेथ हुई थी,
9,50,000 से लेके 1.2 मिलियन, मतलब 10 से 12 लाख इसमें डेथ हुई थी 1937-38 में, ठीक है। और इसी टाइम पर ये जो साइंटिस्ट थे उनको भी जेल में डाला गया था, ठीक है। तो ये है द ग्रेट पर्ल्स एंड ग्रेट टेरर, इसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। थेरेमिन के बारे में डिस्कस किया, और जो लियोन थेरेमिन थे वो कौन थे उनके बारे में भी डिस्कस किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।